नवरात्रि की धूम शुरू होते ही तमाम कार्यक्रम तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, लेकिन हम दिखा रहे हैं कैसा कार्यक्रम जो केवल बुंदेलखंड में प्रचलित है, जिसको गोटन गायन के नाम से जाना जाता है। गोटे गायन का प्रचलन बुंदेलखंड में विशिष्ट रूप से है। यहाँ कारस देव की गोटन गाई जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य गुर्जर की बेटी एलादी की भी गोटन गाई जाती है। बुंदेलखंड के कथा गीत है। यह गीत बुंदेलखंड के अनुष्ठानिक लोक गीत है, जो समय और तिथि विशेष पर गाए जाते हैं। गोटों में कारस देव की वीरता परक लोक गाथा है। कारस देव का जीवन चरित्र, चमत्कार और युद्ध की कथा का पूरा विवरण फुटकर रूप से इन गोटों में मिलती है। वहीं झांसी में केवल रात से 24 घंटे का यह कार्यक्रम रिपीट वहीं झांसी में कल रात से 24 घंटे का यह कार्यक्रम चल रहा है। कारस देव या ठाकुर बाबा के चबूतरे पर गोटियां एकत्रित होकर कभी एकल और कभी सामूहिक रूप से गोटे गाते हैं और भगत को प्रेरित करते हैं ताकि देवता का आवन हो सके। इन गोटों में गायन में प्रशंसा परक टेर प्रभावी रहती है, जिसमें भक्ति भावना का समावेश होता है। गोटों के गायक प्रायः चिरगांव, झांसी, उरई, महोबा, बांदा एवं आगरा के आसपास के क्षेत्रों से अधिक मिलते हैं। इन गोटों के बारे में जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह बुंदेलखंड का पारंपरिक कार्यक्रम है, जो कि केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतर देखा जाता है और नवदुर्गा के आज 90 दिन पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जो कि कल रात अष्टमी के दिन से लगातार जारी है और आज दोपहर 2 बजे है और कार्यक्रम समापन होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यह एक ऐसी गीत है जिसके अभी तक ना तो कोई किताब बनी है ना ही कोई किताब है। यह बिना पढ़े लिखे लोगों का कार्यक्रम है, लेकिन बुंदेली परंपरा को आज भी जीवित रखने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे नवदुर्गा में मंदिरों में भजन तो अक्सर होते हैं, लेकिन बुंदेली कार्यक्रम और बुंदेली गोटन का कार्यक्रम देखने को नहीं मिलता है। नवदुर्गा के उपलक्ष्य में करते हैं बुंदेलखंड का जो देहाती परंपरागत जो कोई इसमें पढ़ा लिखा नहीं है, बिगड़ लिखा हुआ है जी। ये गोट सिर्फ बुंदेलखंड में ही होती है या राजस्थान में जहाँ जन्मभूमि है कारस देव महाराज की, वहाँ से है जी। कहाँ से लोग बुलाए गए हैं, कब से कार्यक्रम? यहाँ बुंदेलखंड के जो अच्छे गावे वाले हैं 24 घंटे की है, जो कल से आए हुए हैं 12 बजे से और आज 2:30 बजे समाप्ति होगी गोट की। पूरी रात ये कार्यक्रम? पूरे 24 घंटे का होता है जी प्रोग्राम। क्या 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 इसमें खास रहता है? खास देवता का ही कारस देव जो धान में इनकी जन्म उत्पत्ति है उनका ही गीत गाया जाता है। जे बिगड़ लिखा पड़ा है, पहला ऐसा भजन है जे इसकी कोई किताब नहीं है, न इसका कहीं लेख है और आज भी चल रहा है कई सदियों से जी। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।